स्वागत है आपका मेरे चैनल के एक और व्लॉग में। और आज मैं आया हूँ अपनी फैमिली के साथ कोलकाता, और आज मैं कोलकाता की कुछ बहुत ही बेहतरीन जगहों पे घूमने वाला हूँ और उन जगह का व्यू आपको भी दिखाऊंगा। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। काली मंदिर के बाहर, और आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कितना अच्छा है। गाइज, अभी मैं काली मंदिर के अंदर जाके आया, मुझे सच में अंदर का व्यू बहुत अच्छा लगा। जगह गंगा नदी के किनारे पर है, और मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं देने वाला क्योंकि यहाँ अंदर फोन और बैग अलाउड नहीं है। यहाँ पे आपको टिकट काउंटर दिख रहा है, यहाँ पे जमा कराना पड़ेगा, और साइड में चेकिंग है वो अलग है। तो आप यहाँ पे घूमो, आपको खुद को मज़ा आएगा, मैं कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा। जगह अच्छी लगी मुझे, मज़ा आया। और दोस्तों, इस टाइम मैं हूँ गंगा नदी के किनारे, आप सब देख सकते हैं यहाँ पे लोग गंगा नदी में नहा के पवित्र हो रहे हैं। और इस गंगा नदी के साइड में ये है हुगली ब्रिज, ये यहाँ पे बहुत फेमस है, और मैं भी अब यहाँ पे थोड़ा डुबकी लगाने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस टाइम मैं हूँ अहलीपुर वेस्ट बंगाल चिड़ियाघर में, जो पूरे इंडिया में फेमस है। स्टार्टिंग में आते ही इस जगह ने मुझे चौंका दिया, आप इसका व्यू खुद देख सकते हैं। अब मैं एक्साइटेड हूँ कि मुझे आगे क्या क्या देखने को मिलने वाला है, चलो देखते हैं। और अभी मेरे सामने एक नहीं, बहुत सारे हिरण हैं। सच में दोस्तों, मैंने लाइफ में इतने सारे हिरण को पहली बार साथ में देखा। और अभी जो आप मेरे सामने देख रहे हो, ये बार्किंग डियर है, ये सबसे छोटे हिरणों में आते हैं। ये बड़े शर्मीले होते हैं, इसीलिए किसी के सामने ज़्यादा आना पसंद नहीं करते। और शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, अभी जो आप सामने देख रहे हो क्या चीज़ है। सच में दोस्तों, मैं लाइफ में पहली बार जेब्रा को लाइव देख रहा हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इनको देखने की। आप भी आराम से देखो। और दोस्तों, आप ये जब देख रहे हैं, ये है स्लॉथ बियर, ये भालुओं में सबसे सुस्त है। इससे सुस्त भालू आपको नहीं मिलेगा, अभी भी सोया हुआ ये, और मैं नहीं चाहते जाग जाए। और फ्रेंड, अब आप जो मेरे सामने देख रहे हैं, ये एक फीमेल लॉयन है, अभी तो सोई हुई है, लेकिन थोड़ी देर पहले जब ये चिल्ला रहे थे मुझे बहुत डर लग रहा था। और गाइज, ये मेरे सामने अभी क्रोकोडाइल के दो बच्चे हैं, और मैं इनसे बहुत दूर हूँ, पिंजरे के अंदर है ये। और ये बड़े फिलहाल सुस्त है तो ही अच्छे हैं। लेकिन इनको देख के बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे। और गाइज, अब आप यकीन नहीं करोगे मैं क्या देख रहा हूँ, खुद ही देख लीजिए। आई थिंक आपने गेस कर लिया होगा, ये जिराफ फिगर, मुझे इसको देख के बड़ा मज़ा आया। और ये मेरे सामने एक बड़ा सा ईगल बैठा है। और दोस्तों, अभी मैं हूँ यहाँ के बर्ड सेंटर में, और मेरे सामने है क्रेन, थोड़ी अलग प्रजाति का क्रेन है, इनके बारे में भी इतना ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन आप तो मज़े लीजिए बस। जो मुझे घूर घूर के देख रहा है, ये वाइट पीकॉक है, सच में बहुत ब्यूटीफुल है, इसीलिए मैंने इसका वीडियो बनाना अच्छा समझा। और गाइस, सच में इस बर्ड के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन इसके केव के साइड में ही एक मोर का केव है, जो मुझे देख के अच्छा लगा। फ्रेंड्स, अब जो आप देख रहे हैं, ये है कैसोवरी, ये है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पक्षी, और ये
दिखने में जितना सुंदर उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक। मैं इसके हाथों नहीं मारना चाहता, फिलहाल तो बंदा कुछ कर भी नहीं सकता मेरा, लेकिन फिर भी बहुत ब्यूटीफुल है। और गाइस इन बर्ड्स को देख के तो मुझे अब सच में और भी ज़्यादा मज़ा आने लग गया है। और इनमें से ज़्यादातर सब हंस है, ग्रेट वाइट हंस। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं ये सब साइबेरिया की प्रजाति है, साइड में जो आप देख रहे हैं। और दोस्तों ये है काकातुआ, ये वन ऑफ द माय फेवरेट स्पीसीज है तोते की। बड़े शर्मीले होते हैं इसीलिए शायद तक इसको अकेला रखा गया है। और दोस्तों ये है बहुत ही रेयर स्पीसीज का काकातुआ, इनको झुंड में रहना थोड़ा ज़्यादा ही पसंद है। और इनकी कम्युनिटी गाइडलाइन बड़ी स्ट्रांग होती है, ये एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं। और दोस्तों ये है रसल वाइपर, ये सबसे गुस्सेल वाइपरों में एक है। और फ्रेंड्स ये है मेरे सामने एक लाइव पाइथन, मैं सच में आपको बता नहीं पा रहा कितना बड़ा, भले आपको वीडियो में समझ में नहीं आई, बैठा शांत है लेकिन मुझे एक तो खूबसूरत भी लग रहा है, इससे डर भी बड़ा लग रहा है। पर अभी जो आप मेरे सामने देख रहे हो ये सब के सब रॉक पाइथन के बच्चे हैं। और रॉक पाइथन इतना माहिर है इल्यूजन में कि वो पत्थरों के बीच छुप जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और दोस्तों अभी मैं मॉनिटर लिजर्ड के केव के बाहर हूँ, आप इसे देख सकते हैं। और ये फिलहाल डरा हुआ है, उसका रीज़न है ये घड़ियाल जो आप अभी मेरे सामने है, इससे डरा हुआ है। ये देखने में बड़ा सुस्त लग रहा है लेकिन असल में बहुत तेज है दोस्तों, इसकी रफ्तार मैं अभी आपको बता नहीं सकता। और गाइस इस केव में एक नहीं कई सारे मॉनिटर लिजर्ड है जिसको मैं आपको जरूर दिखाना चाहूँगा। और एक तो गड्ढा खोदने में लगा है। और दोस्तों ये मेरे सामने बहुत ही रेयर स्पीसीज का कछुआ है। और ये देखें मजे की बात, इसके सामने स्टॉर्क भी है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, ये एक हमलावर स्पीसीज है, ये घात लगा के शिकार करने वाला है, अभी ये क्या करेगा मुझे नहीं पता। सच में गाइस आज मैंने अलीपुर चिड़ियाघर में बहुत कुछ देखा, आज मुझे पता चला है पूरे इंडिया में क्यों फेमस है। मेरे हिसाब से तो आपको भी यहाँ पर आ के देखना चाहिए, आपको यहाँ पर बोर्ड पर जो जो चीज़ दिखाई दे रही है सब कुछ मिलेंगी। मुझे सच में बड़ा मज़ा आया। 2 hours later गाइज इस टाइम मैं हूँ वर्ल्ड फेमस विक्टोरिया मेमोरियल के सामने और मुझे सच में खुद बिलीव नहीं हो रहा है, मैं वर्ल्ड फेमस मोन्यूमेंट को अपने सामने देख रहा हूँ। तो देखते यहाँ पे मुझे क्या क्या देखने को मिलने वाला है। लगता है गाइज मेरी किस्मत थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी है, तो अभी मैं इस वर्ल्ड फेमस बिल्डिंग का नज़ारा देख पा रहा हूँ। और सिर्फ ये बिल्डिंग ही नहीं, आप इसके आसपास का पूरा नज़ारा देख सकते हो, बहुत बड़ा गार्डन है। गाइस इस जगह पे घूमते घूमते मेरे पैर में अब दर्द करने लग गए हैं। और मुझे सच में अभी भी बिलीव नहीं हो रहा, किसी जमाने में यहाँ पर अंग्रेज रहते थे, पर क्या करें मानना तो पड़ेगा। और गाइस अभी मैं विक्टोरिया मेमोरियल के जस्ट सामने हूँ और मैं इस ब्यूटीफुल बिल्डिंग के अंदर अभी जाने वाला हूँ और देख के आऊँगा क्या क्या है अंदर। और दोस्तों ये है विक्टोरिया मेमोरियल का बहुत सुंदर सा हॉल, तो वैसे ग्राउंड फ्लोर पर ही।
और ये रही अंग्रेजों के ज़माने की बंदूक। और इस वक्त मैं विक्टोरिया मेमोरियल के ग्राउंड फ्लोर के एकदम सेंटर में हूँ। दोस्तों इस टाइम मैं विक्टोरिया मेमोरियल के सेकंड फ्लोर पर हूँ। मैं अब आपको यहाँ से बाहर का नज़ारा दिखाऊंगा जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स अभी मैं विक्टोरिया मेमोरियल घूम के आया हूँ। मैंने सारे रूम्स का वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप आए और इस फैंटास्टिक जगह को खुद फील करें, खुद देखें कि ये कितनी ब्यूटीफुल जगह है। और अगर आप 1947 आज़ादी से पहले की बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें जानना चाहते हैं, यहाँ पर आना आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ साबित हो सकता है क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसी ही जानकारी मिलेगी जब कहीं पर पढ़ोगे तो भी नहीं पता चलेगा आपको। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। सो गाइज मेरे कोलकाता का टूर बहुत अच्छा रहा। मैंने वहाँ पे बहुत जगह एक्सप्लोर किया, घूमा, मुझे बड़ा मजा आया। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मुझे विक्टोरिया मेमोरियल में घूम के सबसे ज़्यादा मज़ा आया। विक्टोरिया मेमोरियल में घूमने के बाद मुझे ऐसी फीलिंग, काश ये मेरा घर होता, लेकिन इच्छा पूरी नहीं हो सकती। चलो छोड़ो ये तो मजाक की बात। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत करके बना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।